नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। वाराणसी में नाना पाटेकर ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया। अभिनेता गेटअप में शूटिंग स्पॉट पर खड़े थे, तभी एक युवक उनके बगल में आकर खड़ा हो गया और सेल्फी लेने लगा। इतने में नाना को गुस्सा आ गया और उन्होंने युवक को जोरदार थप्पड़ मार दिया। बाद में क्रू मेंबर ने उस शख्स की गर्दन पकड़कर उसे वहां से निकाला। वहां मौजूद किसी ने इसे कैमरे में कैद करके वायरल कर दिया है। यह वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है। जर्नी फिल्म की शुरुआत एक भक्ति गाने से हो रही है। नाना पाटेकर एक सीन के लिए स्पॉट पर खड़े थे। शूटिंग स्पॉट के आसपास सुरक्षाकर्मी भी थे, तभी सुरक्षाकर्मियों के बीच से एक युवक नाना पाटेकर के पास पहुंच गया। इसके बाद वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने युवक को शूटिंग स्थल से बाहर कर दिया। दोबारा शूटिंग शुरू हुई। वहीं इस मामले में BHU के पूर्व डीन प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा ने कहा कि नाना पाटेकर तुरंत माफ़ी मांगे, नहीं तो उनको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि जो शूटिंग हो रही थी उसमें नाना पाटेकर को मार्केट में घूमते हुए दिखाना था, इसलिए फिल्म निर्माताओं ने बनारस के चौक को चुना था। इस घटना के बाद लगभग एक घंटे तक चौक पर शूटिंग हुई। फिल्म जर्नी की शूटिंग वाराणसी में देव दीपावली तक होनी है। अब तक फिल्म जर्नी की शूटिंग वाराणसी के 80 घाट, तुलसी घाट और दशमेश घाट और दशवामेध चौक क्षेत्र में हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कहा कि नाना पाटेकर का तमाचा मारना फिल्म के सीन का एक हिस्सा था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।